कोई शासक नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में तनाव हो, मेरे परिवार में तनाव हो, झगड़े हो। लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, वो धमकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं, और उनके शासन को भी आप देखो, इसे कहा जा सकता है कि लठमार शासन दिया है उन्होंने। मुजफ्फरनगर जो पर कैपिटा इनकम में कभी एक समय था कि देश में अव्वल माना जाता था, आज वहां वो स्थिति नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है किसान परिवार में, साधारण किसान परिवार तो पालन पोषण नहीं कर पा रहा। सेना की भर्ती नहीं हुई कितने सालों से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी जी कह रहे हैं कि सर्दी कर दूंगा, शिमला पहुंचा दूंगा, कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम किसानों के लिए नई योजना बनाएंगे, और 5 साल चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया गया, ना कोई योजना सरकार बना पाई। नमस्कार, सुन लो, ये चुनावी सभा है, बहुत कम समय रहता है चुनाव में। मैं एक बात को लेकर खुश हूं कि जितना उत्साह मैं देख रहा हूं पूरे पश्चिम में, और यहां मेरठ कैंट में भी बहुत दिनों बाद सुबह के समय जो पहली सभा हो रही है उसमें भी इतने उत्साह के साथ आप सब आए हैं, ये शुभ संकेत हैं। पुराने लोग जो कभी चौधरी साहब के साथ, जिन्होंने उनके साथ राजनीति की और सामाजिक कार्यों में योगदान किया, वे बहुत खुश होंगे इस माहौल को देखकर। ये जो समीकरण हमने बनाया है, जो गठबंधन बनाया है, इसी उद्देश्य से बनाया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में हमारे घर में विकास हो पाए और हम उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे पाए। बड़ा अफसोस होता है, मुख्यमंत्री के एक पद की गरिमा होती है और उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा विश्वास है, और पक्षपाती रवैया अगर उनका होगा, अगर वो नकारात्मक बातें रखेंगे और उनके दिल में जैसे ही उनके बयानबाजी होती है ऐसा लगता है बहुत एक क्रोध है, एक अजीब सी करवाहट वो पाले हुए हैं। वरना कोई शासक नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में तनाव हो, मेरे परिवार में तनाव हो, झगड़े हो। लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, वो धमकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं, और उनके शासन को भी आप देखो, इसे कहा जा सकता है कि लठमार शासन दिया है उन्होंने। हमें चाहिए संवेदनशील सरकार। इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती होती है, और मेरठ जो क्रीम है, मेरठ जो एक प्रतिष्ठित शहर है पश्चिम का, पुराना चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, ये हमारा जिला है। यहां भी जब आप देखोगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1989 से क्षेत्र की जनता भाजपा को जिता रही है, और आज भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। अब इन पर कोई बहाना नहीं है, अब कोई कारण नहीं है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। और जो पिछड़ापन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो इलाका पहले मजबूत होता था, मुजफ्फरनगर में कल गया, वहां की समस्याएं लोगों ने बताई, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन जमीन धरातल पे नहीं उतर पाई चीजें। और वो जिला मुजफ्फरनगर जो पर कैपिटा इनकम में कभी एक समय था कि देश में अव्वल माना जाता था, आज वहां वो स्थिति नहीं है। कुछ तो किसानी का संकट है, खेती से जुड़े लोग, समाज में उनका स्थान नीचे होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पतन है, क्योंकि कमाई नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है किसान परिवार में, साधारण किसान परिवार तो पालन पोषण नहीं कर पा रहा। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए, आज गांव से बहुत परिवार आके यहां शहर में बसे हैं। अगर चौधरी चरण सिंह जी नहीं होते, अगर चौधरी अजीत सिंह जी ने यहां उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया होता, कृषि आधारित उद्योगों को, तो शायद आज वो स्थिति नहीं थी कि 2 या 3 या 4 या 5 बीघे का किसान भी आज अपने बच्चे को मेरठ में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और उसने यहां एक मकान भी बना लिया। तो ये आपकी पहचान रही है, और आज वो समय आ गया कि उस पुरानी पहचान को, जैसे हनुमान जी भूल गए थे ताकत को, हम और आप भूल गए थे, लेकिन आज वो याद आ रही चीजें, और वो खोई हुई ताकत अगर हासिल करनी है
तो ये मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। सभी जाति और धर्म के लोग ऊपर उठकर उनके अंदर नई चेतना जागी है, और उसका श्रेय जाता है किस तरह से किसान आंदोलन में आप सबने योगदान दिया। पहली बार हो रहा है आजाद भारत में कि 13 महीने हमें और आपको सड़क पर बिताने पड़े। ये जो ट्रैक्टर खड़े हैं, किसान तो वाकई 1 साल से ट्रैक्टर पे ही है, और शायद डीजल का भाव भी सरकार ने इसलिए बढ़ाया कि ये जो आकर्षण ट्रैक्टर के लिए बन रहा था आंदोलन में, कि ये किसी तरह धीमे हो, ये चाह रहे ठंडे हो जाओ, लेकिन यहां तो बहुत गर्मी है। और वे तो उलझुल बात कर रहे हैं कि ठंड कर देंगे, जिन्ना पाकिस्तान पे गोला मारना है, ये कोई हमारे मुद्दे नहीं। हम तरक्की चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहते हैं, गन्ने का पेमेंट बड़ी प्रॉब्लम। ये मेरठ क्षेत्र में जो परंपरागत उद्योग है, एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, यहाँ दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और कैची का उद्योग है परंपरागत, और देश में जितने बल्ले बनते हैं 70% यहां मेरठ में बनते हैं बल्ले, तो लोकदल की बल्ले बल्ले करा दो इस बार। इस इंडस्ट्री को जो छोटा उद्योग है, परंपरागत उद्योग है, सरकार ने सुविधा नहीं दी। अगर यहां कार्गो टर्मिनल बन जाएगा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको लाभ मिल जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, और सरकार सुविधा दे रही है उद्योग को नहीं, कंगना रनौत को। अगर योगी जी यहां के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लीडर्स को अपने साथ बैठा के फोटो खिंचवाते तो मैं भी ताली बजाता, लेकिन उन्होंने कंगना रनौत को साथ बैठा के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एम्बेसडर बना के फोटो खिंचाई है। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से और हमारी पार्टी हमेशा उदारवादी सोच को हमने रखा। चौधरी चरण सिंह जी की भी खूबी थी, वो चाहते थे कि नागरिक को अधिकार मिलने चाहिए। जब भूमि अधिग्रहण कानून में लाया था अपना प्रस्ताव, उसका मूल उद्देश्य ये था कि सरकार हावी हो रही थी, सरकारी तंत्र फैसला ले सकता था कब और किस भाव पे किसी की भी जमीन अक्वायर हो, और नागरिक का कोई अधिकार नहीं था, कोई लीगल डिस्ट्रेस नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, कोर्ट में मामले फंस जाते। तो वो कानून भी यही था के नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो। ये किसान आंदोलन भी यही है, अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, सरकार नहीं रोक सकती। योगी जी पोस्टर लगा देंगे, धमकाएंगे, लठ चलाएंगे, लेकिन जब जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन के आगे कोई ताकत नहीं रुक सकती, नहीं टिक सकती। और ये चुनाव एक तरह से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव है, यह चुनाव संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक चुनाव है। अगर हम और आप चूक जाएंगे तो नतीजा यह होगा कि फिर कोई आगे आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। और आपको बताऊं कि आज माहौल जो बदला हुआ है उसका एक और प्रमाण है। इन्हें आगे रखो, आप पीछे हटो। बिजनौर से मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। हम और आप ये नहीं सोच सकते कि गाज गिरेगी किसी और पे। गाज अगर आज हम नहीं बोलेंगे, अगर आज हम एकता नहीं दिखाएंगे, अगर आज हमसे किसी कमजोर और निहत्थे व्यक्ति की हम मदद नहीं करेंगे, कल गाज आप पे गिरनी है। बिजनौर से आपके पार्टी के चुनाव चिन्ह पे डॉक्टर नीरज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर नीरज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह आरोप लगा दिया और FIR दर्ज कर दी राष्ट्रद्रोह का, के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनके कार्यक्रम में लिया जा रहा था।
क्या लोकदल के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिया जाएगा? ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है कि आज हम यहां खड़े हैं। और अगर फिर कमजोरी दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं कि किसान के बच्चों के पोस्टर योगी जी लगा करेंगे और एनएसए लगा के यूएपीए लगा के जेल में बंद कर देंगे। ये किसान ना होते, अगर ये क्षेत्र गर्म ना होता तो ये देश आजाद होने वाला नहीं था। ये क्रांति की धरती मेरठ में कह रहा हूं। तो वो बड़ी बात है, ये मान सम्मान का चुनाव है। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र का 1989 से एक ही पार्टी जीतती आई है, लेकिन इसलिए मैं यहां आया कि जरूर इस क्षेत्र में आऊंगा। और ये भी पीछे नहीं हटी, बहुत हिम्मत वाली महिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कम महिलाओं को हमने टिकट दिया, बहुत कम महिलाओं को हम टिकट दे पाए। देने को तो मैं किसी भी नेता की बीवी को बेटी को लड़ा सकता था, लेकिन मैंने ये देखा हमने दो टिकट दिए हैं, एक तो गोकुल बलदेव से, वो खुद जिला पंचायत मेंबर बनी है, राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है, पढ़ी लिखी महिला है, उनको हमने टिकट दिया। दूसरी मनीषा जी, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, विमेन्स इश्यूज पे सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है और खेती भी करती है, ये खेती भी करती है, तो इसलिए मेरे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आरएलडी में फिट बैठती थी। मुझे बड़ी खुशी है कि इनको हमने उम्मीदवार बनाया, इन्हें भरपूर आप समर्थन दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है, अभी आपका कोई वकील नहीं है जो वकालत कर ले कि मेरे क्षेत्र का क्या हो रहा है, कोई नहीं कह पाता। बीजेपी के इतने विधायक हैं, इतने विधायक हैं, उनमें से किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहली बार बहुमत की सरकार में इतने सारे विधायक विधानसभा में अपनी सरकार के विरोध में धरना देके बैठे थे, धरना देके बैठे थे अपने सरकार के विरोध में। कभी सुनिए बात ऐसी? क्योंकि वो काम नहीं करा पाए, वो किसी जनता के काम नहीं आए। जब किसानों पे संकट की घड़ी थी, उनमें से एक भी नहीं बोल पाया। तो बिना रीढ़ की हड्डी के नेता नहीं होता, नेता वो होता है जो सही है तो सही है, फैसला ले लिया तो ले लिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं जो फैसला बदल लूं। और बहुत बहुत निश्चय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये बात अखिलेश जी के मन में भी है, जो इस क्षेत्र का ड्यू है, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, आज आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोकदल को ताकत दोगे और गठबंधन की सरकार बनाओगे, कभी आप पे लठ नहीं चलेगा, ना आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। और इस क्षेत्र के विकास को हम नई गति देना चाहते हैं। जिस तरह चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ उद्योगों का निर्माण कराया था, उसी तरह से क्षेत्र में रोजगार के सृजन के अवसर, वो मौके हम जनता को, नौजवानों को देना चाहते हैं। और यहां तक कि पिछले दो वर्ष जो कोविड के कारण खराब हुए, सेना की भर्ती नहीं हुई कितने सालों से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमने ये निश्चय किया है कि अगर उम्र की रिलैक्सेशन भी देनी पड़े, जो भर्ती की एज है उसे बढ़ानी भी पड़े तो बढ़ाएंगे, ताकि आप उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाए। माहौल तो बहुत अच्छा है, और ये ठंडे मत होना, गर्म रखना। बल्कि अभी अभी मुझे पता लगा, मैं आखिर में बताना चाहता हूं, अभी अभी मुझे पता लगा, योगी जी कह रहे हैं कि सर्दी कर दूंगा, शिमला पहुंचा दूंगा। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहां भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, देखो मौसम साफ है ना। बिजनौर में हम बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे कि आज मोदी जी वहां जा रहे थे और कुछ ना कुछ वो सफाई देते, मैं तो ये सोच रहा था। क्योंकि बिजनौर में जब वो गए थे 2017 में, उन्होंने बिजनौर की धरती से घोषणा की थी कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम किसानों के लिए नई योजना बनाएंगे, और 5 साल चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया गया, ना कोई योजना सरकार बना पाई।
तो मैं तो सोच रहा था आज वहां बिजनौर जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जा सकता और वो कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, लेकिन भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर लिया। बताओ तो पूरे पश्चिम में लहर है और गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी और हमारे राजभर जी, सभी संगठन महान दल के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं, मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी सरकार बनेगी तो सबका सम्मान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।